बॉलीवुड पर एक बार फिर से कोरोना कहर बनकर टूट पड़ा है। खबर आ रही है कि बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान और कैटरीना कैफ कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। बता दें, इससे पहले बॉलीवुड के मशहूर एक्टर कार्तिक आर्यन ने अपने एक सोशल पोस्ट के जरिए बताया था कि वह कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर खबर ये भी है कि आदित्य रॉय कपूर भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। दरअसल कुछ समय पहले ही ये खबर आई थी कि करण जौहर की बर्थडे पार्टी में शामिल होने वालों में से 55 सेलिब्रिटीज को कोरोना हो गया है, जिसके बाद से ही एक्ट्रेस ने ये कबूलना शुरू कर दिया कि वह कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। बता दें, करण की बर्थडे पार्टी में शामिल होने वाले गेस्ट में शाहरुख खान और कैटरीना कैफ का नाम भी शामिल है, और शायद यही कारण है कि आईफा अवार्ड्स में शाहरुख खान शामिल नहीं हुए। साथ ही कैटरीना के पति विक्की कौशल भी अकेले ही नजर आए। वैसे बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक करण जौहर की पार्टी में शामिल बॉलीवुड सेलेब समेत 50 से 55 लोग कोरोना वायरस संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि उन्होंने ये खुलासा नहीं किया है कि उनका टेस्ट कोरोना पॉजिटिव आया है या नेगेटिव। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।